एग्जाम्पल नंबर सिक्स पे आ जाओ, एक पेज नंबर 226, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है, देयर आर 7 डिफरेंट पोस्ट वैकेंट, खाली पोस्ट है, ऑफ विच 3 मस्ट बी हेल्ड बाई ग्रेजुएट, 2 बाई अंडर ग्रेजुएट। 7 आपके पास पोस्ट है, असल में पिज्जा खाया था ना अभी 7 पोस्ट हैं, और 3 जो है वो आपने ग्रेजुएट को देनी है, 2 जो है वो आपने अंडर ग्रेजुएट को देनी है। वाइल द रिमेनिंग 2 मे बी गिवन टू आइदर, बाकी जो 2 हैं वो आपकी मर्जी है, आप ग्रेजुएट को दे दो या अंडर ग्रेजुएट को दे दो। बस 3 आपने ग्रेजुएट, 2 अंडर ग्रेजुएट को देनी है, ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी जो रिमेनिंग 2 सीट है आपकी मर्जी, आप किसी को भी दे दो। इफ 10 ग्रेजुएट एंड 5 अंडर ग्रेजुएट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड। 10 जो अंडर, 10 ग्रेजुएट हैं और 5 अंडर ग्रेजुएट हैं, उन्होंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप बताओ कितने तरीके से आप दे सकते हो। तो आप लिखो, गिवन आपको क्या है यहां पे, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स 10 ग्रेजुएट्स हैं, अच्छा, नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स 5 हैं, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 7 है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट वैकेंट पोस्ट, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है। कहने का मतलब, आपने ग्रेजुएट नंबर 1 को बना दिया ट्रेनिंग इंजीनियर, ग्रेजुएट नंबर 2 को आपने बना दिया लेट्स से मैनेजर कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट नंबर 3 को आपने बना दिया फ्लोर इंचार्ज, पता नहीं मुझे इतनी पोस्ट का नहीं पता, मेरा वास्ता नहीं पड़ा इंडस्ट्री से, लेट कर लो फ्लोर इंचार्ज आपने बना दिया। तो अब ये ऑर्डर मैटर करता है, आपने ग्रेजुएट 1 को जो बनाया था, ग्रेजुएट 2 को बनाया था, ग्रेजुएट 3 को बनाया था, ये एक पॉसिबिलिटीज है, एक वे है। ये दूसरा वे ये होगा कि आप चेंज कर दो, ग्रेजुएट 2 को आपने मेहल में क्या बनाया था, मैनेजर बनाया था ना, अब आप ग्रेजुएट 1 को मैनेजर बना दो, ग्रेजुएट 2 को फ्लोर मैनेजर, कुछ ऐसा कर दो, मतलब पोजीशन आपने चेंज कर दिए। तो अब ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है आपस में, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ग्रेजुएट 1 को एक वेज में, मतलब एक तरीके में, एक पॉसिबिलिटी में आप कुछ और पोस्ट दोगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में आप कुछ और भी दे सकते हो, तो इसका मतलब ऑर्डर यहां पे मैटर कर रहा है, पोस्ट जो है वो आपस में डिफरेंट है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। और जब ऑर्डर मैटर करेगा तो आप सिंपल परमुटेशन यूज करोगे यहां पे। अब किस तरीके से यूज करोगे वो जरा देख लो यहां पे। अच्छा, नंबर ऑफ वेज इन विच, एक सेकेंड, आपके पास 10 ग्रेजुएट है, 3 डिफरेंट पोस्ट है, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 ग्रेजुएट कैन फिल 3 पोस्ट। सीन ये कि भाई सवाल में उन्होंने बोला हुआ था कि 3 जो है वो आपने ग्रेजुएट को देनी है, तो भाई टोटल 10 ग्रेजुएट है, उसमें से आपने 3 ग्रेजुएट को देनी है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, टोटल 10 है P3, टोटल 10 में से 10 ग्रेजुएट है, उसमें से किसी भी 3 को आपने पोजीशन देनी है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 10P3 को इन्होंने सॉल्व किया हुआ नहीं है, बाल 10P3 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, इसको जरा हम देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं किस तरह करना है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 2 सीटें जो है वो आपने अंडर ग्रेजुएट को देनी है, तो यही काम करो, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 अंडर ग्रेजुएट कैन फिल 2 पोस्ट। उन्होंने बोला था कि 2 पोस्ट जो है वो आपने अंडर ग्रेजुएट को देनी है, टोटल 5 अंडर ग्रेजुएट है, उसमें से 2 को देनी है आपने, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 5P2 मतबल क्या है इसका कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये तो इजी है, ये तो 20 के बराबर हो जाएगा। अब देखो टोटल 7 पोस्ट थी, आपने 3 यहां पे दिए हैं, 2 यहां पे दिए, मतलब अभी 5 पोस्ट दिए आपने, 2 रहती थी, उन्होंने बोला था जो 2 रह गई आपकी मर्जी, आप किसी को भी दे दो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, किसी को भी दे दो। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ वेज इन विच रिमेनिंग 2 जो सीट है ना, रिमेनिंग 2 पोस्ट नंबर ऑफ वेज इन विच रिमेनिंग 2 पोस्ट कैन बी फिल। 2 जो पोस्ट रह गई उनको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, देखो इसमें से 10 जो आपके पास ग्रेजुएट थे
उसमें से तीन जो है उनको तो आपने पोजीशन दे दी है, तो पीछे कितने बचे? 7 बेचारे बचे जिनको पोस्ट नहीं मिली। इसी तरह 5 अंडर ग्रेजुएट में से 2 को तो आपने पोजीशन दे दी, पीछे कितने बचे? 3। तो इसका मतलब अभी तक 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 आपने पोजीशन दे दी ना, तो पीछे टोटल 15 थे, 15 में से आपने 2 वहां 3 यहां पे 5 पोजीशन दे दी, तो पीछे कितने लोग बचे होंगे? 10। उन 10 में से किसी को भी आपने जो रिमेनिंग 2 सीट है ना वो आप दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोई इशू नहीं है, 2 पोजीशन आप जो रिमेनिंग 10 लोग हैं उसमें से किसी को भी दे सकते हो। 10P2, 10P2 क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 90 के बराबर, और 10 × 8 = 80, 80 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 हो जाएगा, या 90 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो 720। तो ये सब आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अब देखो ये सब काम आपने एक साथ करने हैं, मतलब ये जो 7 सीट है ये आपने एक साथ फिल करनी है ना, ये 3, ये 2 और ये 2, ये सब आपने एक साथ फिल करनी है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे टोटल वेज कितने होंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 720 20 90। तो भाई आंसर इसका क्या आएगा? 1 2 9 6 0 0 0। इतने ज्यादा वेज हैं, इतने तरीकों से आप ये जो छिछोर बनना ये आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने कर ली, इसको जरा नोट कर लो आप लोग। अच्छा, ये एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल है, एग्जाम्पल नंबर 8, पता नहीं मैं समझा पाऊँ या ना पाऊँ जो मेरी हालत है, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना, आज करना है मुझे 7 चैप्टर तो कंप्लीट करवाना है, तो अब ज़रा देखो क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 228 के ऊपर। अच्छा जी, लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट द 2 आर्स आर नेवर टुगेदर। अच्छा, पहला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहली चीज मालूम करनी पड़ेगी कि जो वर्ड है इसको टोटल कितने तरीके अरेंज करने के, उसके बाद में पार्ट वन पे जाता हूं। तो गिवन आपको यहां पे क्या है, वर्ड गिवन है अरेंज, स्पेलिंग क्या होती है अरेंज की, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, 3 3 7 लेटर्स हैं भाई। अच्छा, नंबर ऑफ एज 2 है, नंबर ऑफ आर्स आर 2 दफा आ रहे हैं, दैट्स इट, और रिपीटिशन नहीं हो रही। तो टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज होंगे भाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी दफा रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1260। तो पार्ट वन को करने के लिए आपको शुरू में बेसिक बात करनी पड़ेगी। अब आ जाओ पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ क्या है कि इन हाउ मेनी वेज के अंदर लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज, कितने तरीके से आप इस वर्ड के लेटर्स अरेंज कर सकते हो, सो दैट इस तरीके से कि जो 2 आर हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब कभी भी एक साथ नहीं आएंगे ये निकालना मुश्किल है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप जरा ये निकालो कि कितनी दफा ये एक साथ आएंगे, ये निकाल लेते हैं पहले कि 2 आर जो है कितनी दफा एक साथ आएंगे। तो जरा इसको देख लेते हैं, पार्ट है 2 आर्स आर नॉट टुगेदर, ये पार्ट नंबर 1 है, ये इसकी हेडिंग है, मुझे हेडिंग ऊपर बनानी चाहिए थी लेकिन आई डोंट नो मैंने नीचे क्यों बनाई है। बहरहाल, तो सबसे पहले आप लिखो, अच्छा इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आप जरा बना लो, बनाओ क्या मतलब, आप 2 आर एक साथ नहीं आएंगे इसको छोड़ो, सबसे पहले आप निकालो कि 2 आर एक साथ आएंगे इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो नंबर ऑफ वेज ये उन्होंने सॉल्यूशन में ऑब्वियसली मैं बता देता हूं कहां लिखना है आपने, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आर्स
आर टुगेदर। आपने नंबर ऑफ वेज निकालने के जिसमें ये दो आर जो है एक साथ आ रहे हैं, कैसे निकालोगे? अपनी आसानी के सामने आप ये मेंशन भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आसानी है कि ये जो वर्ड है ना, इसमें दो आर को आप एक साथ लिख दो, ठीक है? अब इन दोनों आर ने एक साथ आना है, बाकी जो है वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। बाकी क्या पीछे बचा है? ए ए एन जी ई। दो आर जो है ये हमेशा एक साथ आएंगे, ये अलग नहीं हो सकते। बाकी जो है वो अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो समझ लो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, तो ये एक लेटर है और बाकी जो पांच लेटर हैं वो आप लिख दो। तो यहां पे टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल छह बन जाएंगे। आप ये वैसे तो सवाल में सात थे, लेकिन दो आर जो है हमेशा एक साथ आएंगे, मतलब एक काइंड ऑफ एक लेटर बन जाएगा पूरा, इन्होंने कभी हटना नहीं, एक साथ ही आएंगे। तो अब टोटल कितने लेटर्स हैं? छह लेटर्स हैं। तो हम सिक्स फैक्टोरियल लिख देते, लेकिन मसला ये है कि यहां पे जो दो ए है, मतलब ये ए रिपीट हो रहा है। जैसे इधर टोटल सात थे, आपने लिखा सेवन फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहे थे उनसे आपने, उतने फैक्टोरियल से आपने डिवाइड किया था। तो अब यहां पे देखो, इसको तो आपने एक लेटर मान लेना ना, तो इसको आप अभी कंसीडर ना करो, ये तो एक लेटर है, इसको ये नहीं देखना कि दो दफा आ रहा है, इसको तो आपने एक दफा कंसीडर कर लिया। अब बाकियों को आप देखोगे, बाकियों में कोई रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ए जो है ये दो दफा आ रहा है, तो आप टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। अब देखो, अगर ये डिफरेंट होते, जो आर जो है ना ये आपस में डिफरेंट होते, तो इनको भी अरेंज करने के दो तरीके होते। अगर ये दो को लेटर होते हैं, लेट कर लो आपके पास यहां पे एक आर था एक टी था, तो बोलते कि आर और टी हमेशा एक साथ आ रहे हैं, तो फिर आप आर और टी जब एक साथ आएंगे तो वो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं ना, तो यहां पे आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको पता है ये दोनों आर सेम ही है, इनको आपस में अरेंज करोगे तो क्या बात है, एक ही बात बनेगी। इस आर को पहले लिखो या उस आर को पहले लिखो, अरेंजमेंट तो एक ही होगी वो। तो यहां पर आपको टू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये फर्क है कि जब ये दो आर सेम होंगे तो आप किसी टू से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर ये दो आर ना होते बल्कि एक आर होता एक टी होता, तब आप देखते कि यार ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, फिर आप टू से मल्टीप्लाई करते, ठीक है? और नीचे वाला टू कैसे आया? कि यहां पे ए जो है वो दो दफा रिपीट हो रहा था, तो ये नीचे वाला टू आ गया था। बहरहाल तुम्हें जरा सॉल्व करो, क्या आएगा? सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, 360 आ जाएंगे, ठीक है? अब ये आंसर आया कि अच्छा, पेपर में अगर ये आएगा तो एक या दो पार्ट आ जाएंगे, वरना सवाल मुश्किल है। शॉर्ट में तो खासतौर पर इतना बड़ा देते नहीं है। अब ये टोटल तरीके, इस वर्ड को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने थे? 1260। उन 1260 में से 360 ऐसे तरीके हैं जिसमें आर एक साथ आ रहा है, तो इसके बाकी तरीकों में क्या होगा? आर एक साथ नहीं आएगा भाई। 1260 में से 360 वर्ड्स में आर एक साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाकी वर्ड्स में आर एक साथ नहीं होगा। ये टेक्निक थी। तो अब आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आर्स आर नॉट टुगेदर। तो किस तरह निकालोगे? टोटल पॉसिबिलिटीज थी, टोटल वर्ड से 1260 माइनस कर दो 360, ये अल्लाह भला करे 900, हाँ 900 हो जाएगा, दैट्स इट। 900 वेज है पार्ट नंबर वन का, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है? 900 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आर जो है वो एक साथ नहीं आ रहे होंगे, दो आर जो है एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग मौजूद होंगे। ये पार्ट नंबर वन मैंने आप लोगों को समझाया। अब इसी तरह मेहनत करनी है पार्ट नंबर टू पे। पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ था टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स, कि इसमें टू ए जो है वो तो टुगेदर है, लेकिन दो आर जो है ना वो टुगेदर नहीं है। जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हो कि मैं पार्ट की हेडिंग डाल देता हूं कि टू एस आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स। दो एस तो एक साथ हैं, लेकिन दो आर जो हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ, वो कह रहे हैं कि दो एक साथ हो लेकिन दो आर एक साथ ना हो, इसकी पॉसिबिलिटीज आप निकालो। तो सबसे पहले तो भाई हम ये काम करते हैं, क्योंकि एक साथ निकालना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए जब है एक साथ आ रहा है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है। आर को भी भूल जाओ, नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज आर टुगेदर। आप सबसे पहले ये देख लो कि कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें दो ए जो है वो एक साथ आ रहे हैं। जरा इसकी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। दो ए को आप एक साथ लिख दो,
आर आर और फिर क्या था एन जी ई, ये वही पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी जो अभी आपने ऊपर निकाली 360 जो आपके पास आई थी, वही सवाल बनेगा कि भाई इसको एक मान लो, बाकी पांच है, टोटल छह है। अब आर जो है ना वो दो दफा आ रहा है, जैसे यहां पे जब आपने आर को एक साथ रखा था ए दो दफा आ रहे थे, सेम काम वार कर रहा है, तो टोटल छह तो है लेकिन जिसमें दो रिपीट हो रहे हैं 2 factorial, ये किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये निकालने के बाद अब आप क्या करो, आप लिखो नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज एंड आर्स आर टुगेदर। अब ये क्यों काम कर रहे हैं जरा हम देख लेते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं भाई, हम करना ये चाह रहे हैं कि अब हम ये चीज कर रहे हैं कि दो ए भी एक साथ आए, दो आर भी एक साथ आए, एन जी ई, मतलब इनका एक ग्रुप बन गया, इनका एक ग्रुप बन गया और बाकी तीन लेटर अपनी जगह पे। तो अब जरा देखो, एक लेटर, दो और तीन, ये पांच लेटर हो गए। अब कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, अब क्यों रिपीट हो ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये तीन अलग हैं और इनको तो आपस में आप अरेंज कर ही नहीं सकते, एक एक ही तरीका है, तो इसको आपको कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिवाइड आप उस वक्त करते हैं जब यहां पर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, कोई रिपीट नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई उस वक्त करते हैं कि जब आप इन दो ग्रुप को आपस में अरेंज कर पाते। इनको आपस में अरेंज करने का एक ही तरीका है, ये दोनों सेम है ना, तो आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो इनको, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो कितने पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, 120 हो जाएंगे। अब आपका रिक्वायर्ड आंसर नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स। ऐसी अब हुआ क्या है, देखो हुआ यह है कि आपने सबसे पहले वो पॉसिबिलिटीज निकाली जिसमें दो ए जो है वो एक साथ आ रहे हैं, फिर आपने पॉसिबिलिटी निकाली कि जिसमें दो ए दो आर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसके टोटल अरेंजमेंट देखो, इसमें टोटल अरेंजमेंट चल क्या रही होगी, दो ए तो हमेशा एक साथ आ रहे होंगे, फिर कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें आर एक साथ आ रहे होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें आर एक साथ नहीं आ रहे होंगे, जैसे n पहले आ गया, फिर r आ गया, फिर g आया, फिर e आया, फिर r आ गया। तो दो किस टाइप के वर्ड्स होंगे, सबसे पहला वो वर्ड होगा a, तो हर किस्म के वर्ड में एक साथ आएंगे, ठीक है। एक ऐसा टाइप का वर्ड होगा जिसमें r एक साथ नहीं आ रहे होंगे, और एक ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें r एक साथ आ रहे होंगे। तो जो r एक साथ आ रहे होंगे वो तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, दो ए तो भाई आने ही आने हैं, लेकिन दो आर भी जब एक साथ आ रहे हैं तो आपने देख लिया 120 तरीके हैं। अगर 360 में से आप 120 को माइनस कर दोगे, कहने का मतलब टोटल जो अरेंजमेंट थी ना जिसमें आर एक साथ आ भी रहे थे, आर एक साथ नहीं भी आ रहे थे, तो टोटल में से आर जब एक साथ आ रहे थे वो आपने निकाल दिए, तो पीछे अब कौन से वर्ड्स बनेंगे, पीछे वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें आर एक साथ नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपने वो वाले वर्ड्स निकाल दिए जिसमें आर जो है वो एक साथ आ रहे थे। तो अब इसमें से जब वो निकाल दोगे तो पीछे वो वर्ड्स होंगे जिसमें आर एक साथ नहीं आ रहे होंगे, वही काम आपको करना था कि दो आर एक साथ ना आ रहे हो। इससे डिटेल में मैं नहीं जा सकता। तो आपने क्या लिखा, 360 टोटल वेज थे, उसमें से आपने माइनस कर दिया जिसमें आर एक साथ आ रहे थे। तो जो पीछे 240 है ये वो वर्ड्स हैं जिसमें ए तो ऑब्वियसली साथ आ रहा है लेकिन आर जो है वो एक साथ नहीं आ रहे। तो 240 जो है ये आंसर हो गया है पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाओ भाई पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में क्या है, दो ए जो है वो एक साथ आ रहे हैं, दो आर एक साथ नहीं आ रहे, 240, अच्छा इनके भी 240, ऑल्सो इफ टू एज एज वेल एज टू आर्स आर टुगेदर वी हैव 120। अच्छा ठीक है, अब आखिरी पार्ट क्या है कि भाई दो ए भी एक साथ ना आए, दो आर भी एक साथ ना आए। वर्डिंग क्या है, नाइदर द एज Nor the R's are together।
वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा वर्ड हमें, ऐसे टोटल वर्ड बताओ जिसमें ए भी एक साथ ना हो, जिसमें आर भी एक साथ ना हो। अब ये किस टाइप के वर्ड्स होंगे? कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ए एक साथ आ रहा होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आर एक साथ आ रहा होगा, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ए और आर, मतलब ए ए आर आर, ये दोनों एक साथ आ रहे होंगे। ये तीन टाइप के वर्ड्स हैं। अगर आप इनको निकाल दोगे तो पीछे वो वर्ड बचेंगे जिसमें ए और आर एक साथ नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, दोबारा बताता हूं कि भाई ये जो टोटल आपके पास सवाल में जो थे ना, जो 1260 आपके पास टोटल आपने अरेंजमेंट निकाली थी, इन अरेंजमेंट में हो क्या रहा होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें दो ए एक साथ आ रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें दो आर एक साथ आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें दो ए और दो आर एक साथ आ रहे होंगे। अगर आप ये टोटल में से निकाल दो तो पीछे वो वाले वर्ड्स बचेंगे जिसमें ना दो ए एक साथ आ रहे होंगे, ना दो आर एक साथ आ रहे होंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जरा हम ये देख लेते हैं कि जो तीन चीजें मैंने बताई है ना शुरू की, वो कितनी होंगी। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज आर टुगेदर। दो आर की बात नहीं हम कर रहे, जस्ट दो ए एक साथ आ गए, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ऑब्वियसली जब दो ए एक साथ आ रहे हैं, आर जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने लिखा है कि दो एज एक साथ आ रहे हैं, आर को हम छेड़ ही नहीं रहे, आर एक साथ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आपने निकाली थी अभी? आपने 240 आपने निकाली थी। ये किस पार्ट में था? 240 यहां पे आपने निकाला था कि नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स, कि इसमें दो ए एक साथ थे लेकिन दो आर एक साथ नहीं थे। तो वही चीज लिखी है, नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी थी, मैं नीचे लिख देता हूं, 240 के बराबर थी। सिमिलरली सेम यही कॉन्सेप्ट होगा अगर आप यहां पे निकालना चाहो कि नंबर ऑफ वेज इन विच टू आर्स आर टुगेदर बट नॉट टू एज, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि जब आप यहां पे वर्ड बनाओगे तो सेम इसी टाइप की आपके पास अरेंजमेंट बननी होगी। मतलब यहां पे आपने किस तरह निकाला था, एक अरेंजमेंट इस टाइप की बनाई थी, क्योंकि देखो दो ए है दो आर है, बाकी सब लेटर्स आपस में डिफरेंट है। तो अगर आप ये वाली पूरी चीज निकालो, या आप इसको रिवर्स कर लो कि दो आर्स और नीचे लिख दो दो एस, अभी भी आपके पास 240 आ रहा होगा, क्योंकि कंडीशन चेंज नहीं हो रही। जब दो ए एक साथ है और आर एक साथ नहीं है, तब भी वही कंडीशन बनेगी, वही तरीका होगा निकालने का। या जब दो आर एक साथ है, दो ए एक साथ नहीं है, तब भी वही पॉसिबिलिटी होगी। तो जो इसके हैं वही दूसरी कंडीशन में होंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच टू आर्स आर टुगेदर बट नॉट टू एज, तो अगेन 240 हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन आपने देखनी थी कि जिसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं, कि ऐसे वर्ड जिसमें दो ए दो आर एक साथ आ रहे हैं, तो आप लिखो नंबर ऑफ वेज इन विच टू एज एंड टू आर्स आर टुगेदर। ये आपने अभी निकाला था, हाँ ये वाला, कि इसमें देखो दो एज और दो आर्स टुगेदर आ रहे हैं, ये कितने वर्ड्स थे आपके पास, 120 आए थे। अब ये वो वर्ड्स हैं टोटल, अगर आप इन सबको देखो ना, 240 240 120, ये जो टोटल वर्ड्स हैं, ये वो सब वर्ड्स हैं जिसमें या तो दो एक साथ आ रहा है, या दो आर एक साथ आ रहे हैं, या दो ए दो आर एक साथ आ रहे हैं। अगर आप इन सबको टोटल में से माइनस कर दो, शुरू में आपने टोटल निकाला था 1260, तो पीछे वो वाले वर्ड्स बच जाएंगे जिसमें ना ए एक साथ आ रहा है ना आर एक साथ आ रहा है, जो आपको सवाल में निकालना था। तो आप लिखो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच नाइदर द एज नॉर द आर्स आर टुगेदर। तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, 1260 माइनस 240 माइनस 240 माइनस 120, आपने सब माइनस कर दिया। अब जरा देखो क्या आंसर आएगा इसका, 660। तो 660 ऐसे वर्ड है जिसमें ए और आर एक साथ नहीं आ रहे। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल था, फाइनली हमने ये कर लिया। ठीक है, जरा नोट कर लो इसको आप लोग।